तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज जो कि बहुत जरूरी होती है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज डाली है सब मैं बहुत अच्छे से समझा कर वार्म एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग पूरी तीनों थर्टी मिनट की डाली है आप म जाकर चेकआउट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का जो फेट होता है वो किस तरह से कम होता है हमारे शरीर से पसीना निकलता है हम वार्म अप करते हैं हमारी बॉडी हीट होती है गर्म होती है और हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं एक्सरसाइज शुरू करने पर जो पसीना निकलता है उससे हमारा वेट लॉस होता है तो फ्रेंड्स जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं उसके पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे उस समय हमारा पेट खाली होना चाहिए या फिर खाना खाए हुए से घंटे हो जाने चाहिए तभी तो हम एक्सरसाइज करें तो ज्यादा फायदा करेगी इसके बाद जब भी हम एक्सरसाइज करें हमें हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है हाइड्रेट ग्रीन टी हो सकती है गर्म पानी हो सकता है या फिर ट्वेंटी फोर हाइड्रेट हो सकता है आप एक्सरसाइज करते समय यदि हाइड्रेट करेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी क्योंकि मौसम अभी बारिश का है आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और आपको यदि यदि चक्कर आ गए यदि आपको थकान हो गई तो परेशानी हो सकती है इसके लिए हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है इसके बाद दोस्तों जब भी डांस वर्कआउट करेंगे या फिर जो स्टैंडिंग वर्कआउट होते हैं उन्हें करते समय आप अच्छी क्वालिटी के सूज जरूर पहनिए क्योंकि सूज नहीं होंगे तो आपको थकान होगी और इस थकान से आप अगले दिन का जो वर्कआउट है वो मिस कर सकते हैं तो अच्छी क्वालिटी के शूज जरूर पहनिए इसके बाद दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमें अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है आप शुरुआत में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे शुरू करिए एकदम से यदि आपने पूरी एक्सरसाइज एक दिन में ही कर ली प्रॉपर ढंग से तो आपको अगले दिन बहुत थकान होगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका शरीर फ्लेक्सीबल हो जाएगा और आप अच्छे से सारे वर्कआउट कर पाएंगे तो धीरे धीरे अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइज करिए मेरी जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है आर्म लेग थाई बेली फेट और अपनी पूरी बॉडी का फेट कम होता है इसके बाद दोस्तों आते हैं अपन डाइट पर जब अपन डाइट प्लान करते हैं वेट लॉस जर्नी में तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है मैंने कभी भी चाय छोड़ी नहीं क्योंकि बहुत से लोगों की तो आदत होती है यदि चाय नहीं मिलती है तो उनके सिर दर्द होने लगता है तो हमें चाय बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगी आगे कि हमें किस तरह से अपना डाइट प्लान करना है लेकिन हमें खाना सब कुछ है छोड़ना कुछ भी नहीं है यदि आप कुछ भी स्कीप करेंगे डाइट में तो आपको थकान होगी आपको कमजोरी होगी और आप फिर यह एक्सरसाइज एकदम रेगुलर नहीं रख सकते हो क्योंकि जब हम पेट में कुछ नहीं डालेंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा यही बात है दोस्तों कि अपने को पूरे डाइट प्लान की जो जानकारी होती है उसके साथ एक्सरसाइज के साथ हमें अपना वेट लॉस करना है बेली फेट कम करना है यदि हम बहुत ज्यादा खाना कम कर देते हैं और एक्सरसाइज पूरी करते हैं

पूरा हाथ रहेगा ऐसे तो कहा जाता है कि 20 परसेंट एक्सरसाइज होती है और 80 परसेंट अपने डाइट प्लान होता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50 50 परसेंट होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है एक्सरसाइज करते समय हमें यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे फिर स्ट्रेचिंग करेंगे होता क्या है कि वार्म अप छोड़ दिया डायरेक्ट एक्सरसाइज कर ली या फिर स्ट्रेचिंग छोड़ दी सिर्फ एक्सरसाइज कर ली तो यह प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ वार्म अप से हमारी बॉडी गर्म होगी हम एक्सरसाइज करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे और स्ट्रेचिंग से हमारी जो थकान हुई है पूरे एक्सरसाइज में वो निकल जाएगी तो प्रॉपर ढंग से पूरे स्टेप के साथ एक्सरसाइज करिए और फिर देखिए आपका वजन कैसे कम नहीं होता है या फिर आपका बेनिफिट कैसे कम नहीं होता है तो चलिए दोस्तों अब डाइट प्लान पे चलते हैं तो पहले दिन का मेरा डाइट प्लान था सबसे पहले आप चाय लेंगे सुबह उठते ही आपको चाय की आदत है लीजिए बट आप देखिए मेरा कप कितना छोटा है चाय में पानी थोड़ा ज्यादा रखिए दूध कम रखिए इस तरह से और शक्कर यदि आपको अच्छी लगती है मीठी चाय की आदत है तो आप पी सकते हैं आप मेरा कप भी देख रहे होंगे कितना छोटा है ये अपनी इच्छा भी पूरी हो जाती है कि अपन ने चाय पी ली और अपने को ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है ज़्यादा शक्कर अंदर नहीं जाती है ज्यादा पत्ती अंदर नहीं जाती है तो इतना नुकसान नहीं होता है इसके बाद आता है सुबह का ब्रेकफास्ट इसमें मैंने तो दूध ही लिया था इस समय इसमें कभी मैं काली किशमिश ले लेती ले थी, थी साथ में कभी अंजीर ले लेती ले थी, थी ताकि दूध जो फीका होता है वो मीठा लगे और हमें ऐसा पता नहीं चले कि दूध फीका है या मीठा इसके बाद जो खाना बनाती थी वो बहुत कम तेल में बनाती थी आप देख रहे हैं दाल पहले उबालिए तो बहुत कम तेल में मेरा खाना बनता था खाने के पहले करीब आधा घंटा पहले आप सलाद जरूर लीजिए सलाद से क्या होता है कि हमारे जो शरीर में कमी होती है वो भी पूरी होती है और हमें हमारे शरीर की जो भूख होती है वो आधी तो सलाद से ही खत्म हो जाती है आप आधा घंटा पहले सलाद खाएंगे तो आप देखेंगे यदि आप चार रोटी खाते हैं तो आपको तीन रोटी की भूख होगी तीन रोटी खाते हैं तो दो रोटी की ही भूख लगेगी तो सलाद खाने के बाद दो रोटी काफी होती है जिसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा होगी सब्जी की मात्रा ज्यादा रखने से हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन ज्यादा पहुंचेंगे और जो रोटी है वो सिर्फ दो ही रहेगी तो फ्रेंड्स आधा घंटा पहले सलाद जरूर खाइए। इसके बाद जब हम दोपहर का खाना खाते हैं उसमें रोटी सिर्फ दो रखें और एक सूखी सब्जी और एक दाल जरूर रखिए दाल हमारे खाने में सुबह के खाने में होनी ही चाहिए इसके बाद शाम का खाना होता है उसमें आप दूध दलिया ले सकते हैं क्योंकि रात का खाना तो हल्का रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा यदि हल्का खाना आपको दूध दलिया अच्छा नहीं लगता है तो आप खिचड़ी ले सकते हैं नमकीन दलिया ले सकते हैं आप ओट्स ले सकते हैं ओट्स का चीला बना के ले सकते हैं तो ये तो था दोस्तों मेरे एक दिन का डाइट प्लान अब आप चलिए सुबह आप ग्रीन टी ले, ले लीजिए या फिर चाय ले लीजिए कम मात्रा में इसके बाद अभी भुट्टे आ रहे हैं तो आप इस तरह से उन्हें उबालकर थोड़ा नमक पिछले डाल के नाश्ते में खा सकते हैं इसके बाद जो मूंग गलाते हैं उन्हें आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं मूंग में कभी आप प्याज डाल लीजिए कभी चने डाल लीजिए कभी टमाटर जो भी आपके पास चीज हो वो डाल सकते हैं इसके बाद बहुत कम तेल में पोहे बनाएंगे तो वो भी आप सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं इसके बाद जो दलिया होता है उसे नमकीन बनाकर ले लीजिए उसमें आप जितनी भी सारी मौसमी सब्जियां आ रही है वो डाल सकते हैं इसके बाद आप ओट्स का चीला बना सकते हैं स्प्राउट्स का चीला बना सकते हैं इसके बाद आप ओट्स को इसी तरह से सिर्फ नमक डाल के भी खा सकते हैं यदि हम सुबह के नाश्ते में बिना तेल के पोहे बना सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसके बाद जो भी खिचड़ी वगैरह होती है उसमें घी कम डालिए या न डालिए दलिया हो गया उसमें आप ड्राई फ्रूट डाल के इसका थोड़ा टेस्ट बढ़ा सकते हैं और सलाद को तो हमें हमेशा प्रायोरिटी में रखना ही है यदि आप सलाद अलग से नहीं खा सकते हैं कभी तो आप खाने के साथ भी ले सकते हैं एक गिलास छाछ ले सकते हैं इसके बाद यदि आपको शाम चार से पाँच के बीच में भूख लगती है तो आप सारे फ्रूट्स जो भी हों आपके पास या फिर कभी सेवफर ले लिया कभी आप कीवी ले लीजिए अमरूद ले लीजिए यदि ये नहीं है तो ड्राई फ्रूट तो हमारे घर में रहते हैं अंजीर ले लीजिए पाँच पिस्ता ले लीजिए इसके बाद दोस्तों जो शाम को चार से पांच के बीच में भूख लगती है उसमें भुने चने बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी करते हैं और ये वेट लॉस में भी बहुत मदद करते हैं आपको पेट भरा हुआ लगेगा और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा इसके बाद भी यदि आपको रात को भूख लगती है तो आप भेल में प्याज टमाटर डाल के खा सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब डाइट प्लान भी बता दिया अब सुबह की जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत ही फायदा करती है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सुबह की जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत अच्छे ढंग से जो फंक्शनल वर्कआउट होता है स्टैंडिंग होता है मेट पर होता है सारा बता रखा है आप जाकर देख सकते हैं और थर्टी मिनट का जो ये सुबह का वर्कआउट होता है ये आपकी बॉडी को इतना अच्छा फिट रखेगा कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा शुरू शुरू में हमारे को थकान होती है हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा लेकिन आप परेशान ना हो आप बिल्कुल परेशान ना हो शुरू के हफ्ता भर में आपको ऐसा लगेगा लेकिन धीरे धीरे जब आपकी बॉडी एकदम इसके लायक हो जाएगी कि हाँ अपन एक्सरसाइज अच्छे से कर पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एकदम शरीर हल्का हो जाएगा वजन कम होने से आप एकदम फिट रहेंगे और पूरा दिन जो है एक्टिवनेस जो होती है जो कि हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में उसके साथ आप दिन बिताएंगे तो आपको बहुत अच्छा दोस्तों, लगेगा। दोस्तों आप लोगों को ये एक्सरसाइज में दिख ही रहा होगा कि सिर से लेकर पांव तक सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी एक्सरसाइज इसमें तीस मिनट में पूरी हो जाती है बस सिर्फ तीस मिनट दीजिए आप सुबह के और यदि शाम को हो सकता है तो डांस वर्कआउट कीजिए क्योंकि शाम के समय हम इतना नहीं कर पाते हैं सुबह के समय हमें हम थोड़ी ताकत भी ज्यादा होती है हमारी एनर्जी फुल रहती है मैंने अपनी पूरी वीडियो में बता रखा है आपको स्वेटिंग क्लीन करनी है आपको हाइड्रेट करना है आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी है पूरा अच्छे से समझा कर बता रखा है तो आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं बस शुरुआत में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताई है और बताती रहती हूँ कि आपको किस तरह से अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है बीच बीच में हाइड्रेट करना है डांस वर्कआउट के समय जूते पहनने हैं और धीरे धीरे ही शुरुआत करनी है आप एकदम परेशान ना हो दोस्तों मुझे पता है कि जब अपना फेट बढ़ जाता है अपने को कपड़े नहीं आते हैं तो अपने को बहुत बेकार लगता है दुकान पे जाते हैं अपनी साइज के कपड़े नहीं मिलते हैं लेकिन उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है सब हो जाते हैं लेकिन सब फिर पतले भी होते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी जैसे कि मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम का वर्कआउट करा अपने डाइट प्लान पे ध्यान दिया तो मैंने सात दिन के अंदर अपना बेली फेट एकदम कम कर लिया वैसे बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत ध्यान रखा जो मैं चाय का कप एक कप लेती थी वो कभी कभी मेरे को शाम को इच्छा होती थी तो मैं वो भी ले लेती थी लेकिन उससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा खाना मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है आपने देखा होगा कि मैं सभी कुछ खाती थी कभी कभी आपकी इच्छा हो तो आप हल्का सा मीठा ले भी सकती हैं लेकिन चाय में जो मीठा आता है उससे मुझे लगता है आपकी कमी पूरी हो जाएगी चाय का कप छोटा कर दीजिए उससे ही बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों देखिए प्लैंक वगैरह इस तरह की एक्सरसाइज है जिससे हमारे पूरे शरीर एकदम फिट हो जाता है और आप यदि एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत जल्दी बेनिफिट होगा आपके जो शरीर में बीमारियां होती हैं कोई सी भी वो भी एक्सरसाइज से खत्म हो जाती हैं तो दोस्तों आपको भी यदि सात दिन के अंदर अपना बेनिफिट कम करना है तो इस तरह के डाइट प्लान पे चलिए मेरी गारंटी है आपका बेनिफिट कम होगा और जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई वो आप 30 मिनट तक करिए चाहे डांस वर्कआउट हो या फिर ये इस तरह का फंक्शनल वर्कआउट आप करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपका भी वेट मेरी तरह जल्दी कम हो पहले मेरा वजन 80 केजी था लेकिन अब 61 62 बस इतना ही रहता है 62 से आगे बढ़ने नहीं दिया अभी मेरा हो गया था आप लोगों ने देखा फिर मैंने 61.3 कर लिया तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए